हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 14 स्टैटिक्स का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दे रखा है, मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 15.5। 20 ऑब्जर्वेशन का मीन है 15.5। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द ऑब्जर्वेशन 24 वाज टेकन एज अ 42। यानी कि हमारी कोई ऑब्जर्वेशन थी, उन 20 ऑब्जर्वेशन में से लेना था 24, गलती से ले क्या लिया 42। द करेक्ट, दो बार लिखा गया, द करेक्ट मीन इज, तो बताओ इन चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट मीन कौन सा होगा। देखो अभी फिलहाल के लिए जो हमारा मीन है ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट मीन वो में दे रखा 15.5, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन कितनी है 20, तो नंबर आ जाएगा मेरा एन यहाँ पे आ जाएगा 20। मीन का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन में एन, मीन यानी कि जो एक्स बार दे रखा है यानी कि हमारा मीन दे रखा है जो कि इनकरेक्ट है, एंड सिग्मा एक्स का मतलब तो जितनी 20 ऑब्जर्वेशन दे रखा है इनका सम। अब देखो यहाँ पे हमने गलती की हुई है तो जो सम निकल के आएगा वो भी हमारा क्या निकल के आएगा, गलत ही निकल के आएगा। तो यहाँ मैंने इनकरेक्ट एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री करते करते टोटल मिला के 20 ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 15.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरा निकल के आ जाएगा इनकरेक्ट सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, यानी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री से लेके एक्स 20 तक का सम, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरा कितना निकल के आ गया 310। अभी फिलहाल क्या है ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन एक्स वन एक्स टू से लेके एक्स 20 तक का। अगर हमें इसे करेक्ट बनाना है तो जो गलती की उस गलती को सुधारना पड़ेगा। गलती क्या की है, लेना था 24 ले क्या लिया 42, तो जो चीज़ इसमें गलत है उसको हटा दो, यानी क्या ले लिया था 42 वो हटा दो, ठीक क्या था 24 वो वापस ऐड कर दो। अब ये क्या बन जाएगा, करेक्ट सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री से लेके एक्स 20 तक, ठीक है, ये हमारी गलती हो गई थी। तो 310 में 42 माइनस करेंगे 24 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 292, ठीक है, ये आगे हमारा करेक्ट एक्स वन से लेके एक्स 20 तक का सम। अगर अब हमें करेक्ट मीन निकालना है, करेक्ट मीन, तो हमारा जो सम दे रखा है 292, इसमें 20 ऑब्जर्वेशन का कर देंगे डिवाइड, तो डिवाइड देने पे आ जाएगा मेरा ये 14.6, तो ऑप्शन हो जाएगा मेरा यहाँ पे डी, ये जो आया हमारा ये करेक्ट मीन होगा। क्लियर है, कैसे निकाला समझ में आया। इसी की तरह आपको मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये भी बिल्कुल इसी की तरह है, तो मैंने आपके लिए समझने के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखा हुआ है। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50, सो टर्म का जो सम है वो है 50, मीन दे रखा सॉरी, इफ वन ऑब्जर्वेशन वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच वाज 50 इज रिप्लेस्ड बाय 150, यानी 50 की जगह 150 लिखा गया, द रिजल्टिंग मीन विल बी, तो उसका मीन क्या होगा, यानी कि जो हमारा 50 है वो रिप्लेस हो गया किसके साथ में, 150 के साथ में, लेना था हमें 150 और लिया क्या गया गलती से 50, तो अब हमें करेक्ट मीन निकालना कि करेक्ट मीन क्या होगा, हमें जो गिवन मीन है वो इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो हमें दे रखी है 100 एंड इनकरेक्ट मीन वो हमें दे रखा है यहाँ पे 50, तो मेन निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मेन है हमारा 50, यहाँ 50 रखा, सिग्मा एक्स रिप्रेजेंट करेगा 100 ऑब्जर्वेशन का सम, एन है हमारा 100, अभी जो निकल के आएगा ये होगा इनकरेक्ट सम, ठीक है। अब मैं यहाँ सिग्मा एक्स लिखता हूँ जो कि हमारा इनकरेक्ट है, अब ये क्रॉस में जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15,000, अभी इनकरेक्ट है। अब इसे अगर हमें करेक्ट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखो करेक्ट इस 15 नहीं, इसको उससे गुणा करें 5,000 आएगा, मैं सोचे 50 नहीं 5,000, ठीक है। अब इसे करेक्ट बनाना है तो जो गलती हुई है उस गलती को हम ठीक करेंगे, यानी गलती से 50 लिया गया, ठीक, तो 50 गलती हुई है इसे माइनस कर दो, और लेना क्या था 150 तो इसे प्लस कर दो, इससे हमारा क्या होगा ये करेक्ट सिग्मा एक्स आ जाएगा, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल के आ जाएगी।
5000 में 150 ऐड करेंगे, 50 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5100। ठीक है, ये हो गया हमारा करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 टर्म का। अब इसका करेक्ट मीन निकालना हो, करेक्ट मीन तो जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसमें डिवाइड कर दो 100 का, 200 कट गई तो मेरा मीन आ जाएगा 51। ऑप्शन हो जाएगा मेरा यहाँ पे बी। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 18 है, ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन डाला था ताकि आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।